हमारी पृथ्वी को अगर आज की तारीख में कुछ चाहिए हम इंसानों से, तो वो है लेस कार्बन एमिशन। इसके लिए हमें ग्रीनर एनर्जी की तरफ ज्यादा रुझान देना पड़ेगा। सोलर पैनल्स, आपके विंड जनरेटर्स और भी हाइड्रो पावर जनरेशन कंपनीज को काफी महत्व दिया जा रहा है। ऐसी ही कंपनी आपके लिए लेके आए हैं एक, जिसमें आज काफी गिरावट आई है, पर वो गिरावट नहीं है, एक्चुअली आपके लिए फायदे का सौदा है। इन्होंने बोनस शेयर का अनाउंसमेंट किया है 3:1 के रेशो में। हम बात कर रहे हैं EKI कंपनी के बारे में, एनकिंग इंटरनेशनल, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्बन क्रेडिट डेवलपिंग एंड सप्लायर है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज इनके यहां पर हेल्प कर रही हैं और ये आगे चलकर काफी बड़े लेवल पर अपने प्रोजेक्ट को लेके एग्जीक्यूट करेंगे। अगर लेटेस्ट खबर की बात की जाए कंपनी के बारे में, तो देखिए जो 2,500 कस्टमर अप्रोक्सीमेटली इनके पास हैं, और ये कंपनीज को कार्बन ऑफसेट स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाई कर रिन्यूएबल एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, और ताकि इनके कस्टमर्स को नेट न्यूट्रलिटी जीरो हो जाए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, वर्ल्ड बैंक, सॉफ्ट बैंक, NTPC, इंडियन रेलवेज, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और भी बड़ी बड़ी कंपनी इनके साथ जुड़ी हुई हैं। अगर हम बात करें, अगर इसी तरह से हम कार्बन को निकालते रहे, तो प्रोजेक्शन किया जा रहा है कि हमें -23 कार्बन का नेगेटिव रिटर्न करना पड़ेगा। पर अगर हम प्रोजेक्शन के बेसिस पर 2050 का देखें, नेट जीरो कार्बन एमिशन करना है, तो उसके लिए हमें काफी गैप को फुलफिल करना पड़ेगा और बड़ी बड़ी कंपनीज को यहां पर योगदान देना होगा। और इस तरह से ईके इंटरनेशनल के कस्टमर काफी तेजी से बढ़ेंगे आगे आने वाले 10 से 20 सालों के अंदर। यहां पर ईके इंटरनेशनल ने सेल ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के साथ जॉइंट वेंचर किया है, जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन को रिड्यूस करने के लिए इन्होंने प्रण किया है और हेल्प करेंगे कंपनीज को उस कारोबार के लिए। तो ये इंसानियत के नाते हम सबका कार्रवाई बनती है कि हम इस तरह की कंपनीज में अपना अच्छा प्रोत्साहन दें। आप चाहें तो इसमें फ्यूचरिस्टिक विजन के रेफरेंस में इसके शेयर भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इनके कॉर्पोरेट एक्शन की, तो सबसे पहले इनकी वेबसाइट को चलकर देखते हैं। ईके इंटरनेशनल, यहां पर एनवायरमेंट इज नॉट अ लिबरल और कंजर्वेटिव चैलेंज, इट इज अ कॉमन सेंस। बहुत सही सेइंग है इनकी। और यहां पर कार्बन ऑफसेटिंग करा रहे हैं, कार्बन रिन्यूएबल एनर्जी एट्रीब्यूट्स दे रहे हैं, कार्बन फुटप्रिंट न्यूट्रलिटी करा रहे हैं। और अगर आप इनके क्लाइंट्स को देखें, तो देखिए बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं, जैसे हमने बताया वर्ल्ड बैंक, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, इंडियन रेल, NTPC, NHPC, अदानी, रिन्यू पावर, JSW, आदित्य बिरला ग्रुप, हिंदुस्तान जिंक, हीरा। तो काफी बड़े लेवल पर बैद्यनाथ एंड 2,000 मोर कस्टमर इनके यहां पर हैं, इस तरह से कारोबार करते हैं जो अपने कंपनीज के लिए, और इन्होंने हेल्प किया है। और एक चीज जो हमें इनकी अच्छी लगती है, सिंपल बात है, बहुत सीधी सिंपल बात है, क्लीन कुकिंग इट इज अ राइट नॉट अ प्रिविलेज। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे गांव गांव में लोग बाग अपने घरों पर जो जलाकर नेचुरल लकड़ी या गोबर के उपले जलाकर उनको हर दिन स्मोक को इनहेल करना पड़ता है, उनको बेसिक राइट है उनका, ताकि उनको स्मोक फ्री कुकिंग की गैस मिल सके। और ये एक कार्बन न्यूट्रलिटी हमारी तरह से इनके लिए हेल्प कर रहे हैं यहां पर। तो कंपनी बहुत अच्छा कारोबार कर रही है, कॉर्पोरेट ने भी अच्छा एक्शन दिखाया, जिसके चलते हुए वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि 7,000 का शेयर है, कोई सोच खरीदने से पहले एक बार सोचेगा। अब इन्होंने अपने शेयर का बोनस अनाउंस किया है, बोनस 3:1 के रेशियो में अनाउंस किया है, और इसकी एक्स डेट जो है 4 तारीख, यानी कि पिछले हफ्ते हमने पुराना वीडियो बनाया था, आपने अगर वहां से खरीदा है अभी तक तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप 4 तारीख को खरीदेंगे तो आपको बोनस शेयर नहीं मिलेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। जिन्होंने भी 4 तारीख से पहले खरीद के रखे हैं, उन सबको ये हर एक शेयर पर 3 शेयर का बोनस मिलेंगे। डबल बेनिफिट मिलता है, प्राइस एक्शन आता है और लॉस बुकिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। टैक्स बेनिफिट कैसे होता है, एग्जाम्पल के लिए कुछ समझते हैं। मान लीजिए किसी का एवरेज भाव 6,000 रुपए का है और उनके पास में 10,000 शेयर है, तो 60,000 का उनका मूल निवेश है। यहां पर निवेश उतना ही रहेगा, इन्वेस्टमेंट वैल्यू उतनी रहेगी, बट जो आपका यहां पर हर 4 शेयर 10 शेयर की बजाय आपको 40 शेयर हो जाएंगे, तो जो आपकी निवेश वैल्यू है वो 60,000 ही रहेगी। इसको समझाएंगे, यहां पर एरर है, पर आपका जो 1 शेयर का वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली
1,000 रुपए का हो जाएगा। तो ये 1,500 का शेयर होने के बाद आपको हर एक शेयर पर 4,500 रुपए का लॉस दिखाई देगा। तो आपकी जो परचेज प्राइस है एक शेयर की वो 6,000 रुपए, आपकी अगर आप इसको टैक्स बेनिफिट लेते हैं तो आपका सेल प्राइस होगा वो 1,500 रुपए। तो ये आपको जो लॉस है वो 4,500 रुपए का है और इसको आप नियर टर्म के प्रॉफिट से सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये आपको टैक्स एडवांटेज मिल सकता है इस तरह से स्टॉक में। हम बहुत बुलिश है इस कंपनी में, इट विल ट्रिगर पॉजिटिव मोमेंटम और आगे आने वाले 10 सालों के लिए ये डेफिनेटली एक मल्टी बैगर स्टॉक है। फंडामेंटल अगर कंपनी के देखे जाए, कंपनी की मार्केट कैप की दृष्टि से देखें तो ये महज 5,000 करोड़ की कंपनी है। तो जब भी आप निवेश करें ऐसी कंपनी में, 2% से ज्यादा आपको निवेश करने की हम सलाह नहीं देंगे ऐसी कंपनी में। तो ये आपको एक, अगर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि शेयर का भाव इतना ज्यादा है तो लोग बाग इतना ज्यादा ट्रेड नहीं कर पाते हैं। बट इसने स्टडी स्टोर ग्रोथ दिखाई है, देखिए 19 करोड़ से बढ़कर 1800 करोड़ का प्रॉफिट आया 2022 में और ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आगे और भी बढ़ती रहेगी। जिस तरह से कंपनी जारो कुकुर हो रही है, इनकी डिमांड और भी ज्यादा बढ़ती रहेगी, प्रॉफिटेबिलिटी भी उसी हिसाब से बढ़ रही है। 383 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है 4 करोड़ के मुकाबले 2002 में, 2022 से 2020 के बीच में। तो 2 सालों में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिसको कहते हैं कंपनी ने दिखाई है। मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं, 20% से ज्यादा मार्जिन है जो कि एक अच्छा स्टैंडर्ड पैरामीटर माना जाएगा। और प्रमोटर की होल्डिंग यहां पर करीब करीब 73% है जो कि एक अपटिक बहुत अच्छा व्यू है। एफआईआई ने भी होल्डिंग किया 5% के आसपास, डीआई ने भी 5% के आसपास, दोनों दो अपटिक हो गए। और पब्लिक होल्डिंग में 15% की होल्डिंग है यहां पर, जिसमें अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो मेजर होल्डर्स हैं इसमें मेवन इंडिया फंड 3.8%, नेक्स्ट ऑर्बिट वेंचर फंड 5.7%, मुकुल महावीर अग्रवाल 1.8%, कॉर्पोरेट बॉडीज 1.98% और एनआरआई करीब करीब 0.62% के आसपास इनकी होल्डिंग है यहां पर। एनकिंग इंटरनेशनल एनर्जी आपको कंपनीज को ऑफर प्रोवाइड करती है जिसमें आपको क्लाइमेट चेंज के ऊपर कार्बन क्रेडिट प्रोवाइड किए जाते हैं। ये एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन है अक्रॉस द ग्लोब और इनके कस्टमर इंडिया ही नहीं बल्कि आउटसाइड इंडिया में भी बहुत अच्छी तरह से इनको बिजनेस को अचीव कर रहे हैं, क्लाइमेट एम्बिशन उनके टारगेट गोल्स। एक साल में अगर इसका शेयर का भाव देखा जाए तो करीब करीब 999 के आसपास इन्होंने 1000% का रिटर्न दिखलाया है। देखिए 600 रुपए से बढ़कर 7,000 रुपए के आसपास इनका शेयर चला गया है। और ये फाइनेंशियल पीयर कंपैरिजन देखा जाए इनका तो एक साल का परफॉर्मेंस करीब 1000% रिटर्न, बाकी और कोई भी कंपनी इस तरह के लेवल को नहीं दिखा पाई है। प्रॉफिटेबिलिटी यहां पर सबसे कम प्रॉफिटेबिलिटी है, बट अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी के साथ में आपको कंपेयर करें इसका प्रॉफिट पर 1000 करोड़ मार्केट कैप तो 76 के आसपास है जो कि एक अच्छा लेवल माना जाएगा। ग्रासिम और आरआईएल पैरी पार्टली लिमिटेड ये थोड़ा हायर लेवल पर है इसके, बट उनके साथ में डेप्ट की चैलेंज है। यहां पर कंपनी का ईकेआई का डेप्ट 0 है और ग्रासिम और आरआईएल पैरी का डेप्ट ऑलमोस्ट 1:1 का रेशियो है, डेप्ट इक्विटी रेशियो, जिसके हिसाब से ईकेआई एनर्जी इंटरनेशनल काफी अच्छी कंपनी मानी जाएगी। डिमांड बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी और जिस तरह से लोग बाग यूएस और यूरोप में इसको डिमांड बढ़ा रहे हैं, इंडिया में भी बहुत अच्छे दिन आएंगे कंपनी के लिए। इनके पास में कॉस्ट एडवांटेज है, अफोर्डेबिलिटी बहुत अच्छी है इनकी, जो इनको एक मल्टी बैगर स्टॉक बना रहे हैं। नए नए प्रोडक्ट, नए नए कस्टमर बढ़ रहे हैं जो गेन्स देंगे कंपनी को और साथ साथ में शेयर होल्डर के लिए रिटर्न ऑन कैपिटल भी बढ़ेगा। आइए जरा चलकर टेक्निकल व्यू देखते हैं कंपनी का। तो सबसे पहले अगर आज का भाव देखें तो 7,500 के आसपास काफी लोगों ने इसको बंद होते होते खरीदा है यहां पर। अगर आप देखें तो 50 डे मूविंग एवरेज इसका अभी भी ऊपर है, ये देखिए 50 डे मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज को देखें तो यहां पर काफी अच्छा मोमेंटम चल रहा है, काफी अच्छा कंसोलिडेशन है जहां पर लोग बाग इसको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। कल बंद होते होते करीब इन्होंने वॉल्यूम 7,000 शेयर हैंड एक्सचेंज हुए हैं इसमें। और अगर हम ईके इंटरनेशनल की बात करें तो स्टॉक में जो बुलिंजर बैंड के लोअर हिस्से से देखिए 6,400 से बढ़कर 7,500 के ऊपर लेवल तक चला गया है ये स्टॉक। सुपर 10 के बेसिस पर एक रेजिस्टेंस है 7,600 का और यहां पर RSI 53 है जो कि एक न्यूट्रल जोन माना जाएगा। अगर एलिगेटर इंडिकेटर देखें तो आज जो कैंडल बनी है वो तीनों एलिगेटर इंडिकेटर के पैरामीटर के ऊपर है, ये यहां से इसको और भी ऊपर ले जाने की शुरुआत करेगी और कल हमारे हिसाब से मंडे के दिन इसमें पल प्लस मोमेंटम रहेगा। मैकडी ने ऑलरेडी बाय सिग्नल जनरेट करके रखा हुआ है स्टॉक के लिए और हाई लो बैंड में अगर देखें तो रेंज जो है ऊपर की तरफ को बढ़नी शुरू है जो कि एक हाई साइन माना जाता है, आगे और फर्दर अप मोमेंट आएगा। इनका रिटर्न ऑन कैपिटल हमारे हिसाब से आगे आने वाले 10 सालों के हिसाब से देखा जाए तो इक्विटी यहां पर 1000 से ज्यादा रिटर्न देंगे। आपको चाहें तो हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं
और अगर हमारी ट्रेड्स को आपको कॉपी करना है तो हमारे साथ जुड़िए, पेड मेंबर बन सकते हैं यूट्यूब पर 299 का एडवांस पैकेज लेकर। प्लीज कंसल्ट फाइनेंशियल एडवाइजर। जय हिंद, जय भारत।